उधर कांग्रेस के प्रभारी पीएल पुनिया ने कहा है कि सरकार ने 2500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी की घोषणा की है, तो खरीदी उसी दर पर की जाएगी। इसके लिए कमेटी बनाई गई है। किसानों को राशि कब देंगे, कैसे देंगे, ये सरकार तय करेगी। 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे, आपको बता दें, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया का एयरपोर्ट पर कांग्रेसियों ने भव्य स्वागत किया। पुनिया कल रायपुर में कई अहम बैठकों में भी शामिल होंगे। चुनाव है और उसके सिलसिले में अनेक लोगों से बात करनी है। स्टेट एग्जीक्यूटिव है, सर सीनियर लीडर्स हैं, जितने जिलों के अध्यक्ष हैं, सभी महत्वपूर्ण लोग हैं, उनसे बात करनी। देश में गिरती जीडीपी को लेकर कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया ने कहा है कि मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने तब जीडीपी 8वें स्थान पर थी, लेकिन बाद में लगातार गिरते गिरते जीडीपी 4थे स्थान पर आ गई। इसका संकेत पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पहले ही दे दिए थे। वहीं नोटबंदी और सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के द्वारा गौडसे पर दिए गए विवादित बयान को लेकर पूनिया ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा। निरंतर गिर रही है। देखिए 18-19 में 8% से शुरू हुई थी, 5 से 7.5 हुई, फिर 6.6 हुई, फिर 5% हुई।